हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग अच्छे से हैं मज़े में हैं तो जैसा कि हम आप लोगों को बोले थे कि और भी सर आएंगे और भी सारा क्लास स्टार्ट होगा धीरे धीरे आप लोग देख रहे हैं धीरे धीरे सर सभी सर जो है आ रहे हैं आपके लिए और धीरे धीरे बाबू हर एक क्लास हम स्टार्ट यहाँ हो भी रहा है ठीक है तो ऐसे ही धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट वाले सर आएंगे धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे और आपको जो है यहाँ पर एक कंप्लीट पैकेज हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर क्लास चलेगा लेकिन सारे के सारे सर धीरे धीरे जो है अपने आ रहे हैं सबसे बातचीत हो रहा है सब धीरे धीरे सर आएंगे तो हम लोग अभी ज्यादा हम इधर उधर का बात नहीं करेंगे चलिए हम डायरेक्ट पहुंचते हैं अपने रीजनिंग टेस्ट सीरीज में रीजनिंग टेस्ट सीरीज में आते हैं और हम लोग आज देखेंगे रीजनिंग टेस्ट सीरीज ट्वेंटी सेवन रीजनिंग टेस्ट सीरीज ट्वेंटी सेवन का डिस्कशन देखेंगे तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन है हमारा सबसे पहले यहां पर देखिए क्या है क्वेश्चन में लिखा हुआ तो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है बाबू क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है और ये देखिए इसका आंसर क्या क्या होता है क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है ये और इसमें देखिए चलिए जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बनाइए क्वेश्चन क्या आंसर दे रहा है जल्दी से बनाइए इसको जल्दी से क्वेश्चन बनाइए जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाइए क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग जल्दी 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 एकदम और अपने सभी दोस्तों को लिंक शेयर कीजिए सबको बोलिए लाइव आ गए हैं सर जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से दोनों बहुत ईजी क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है जल्दी जल्दी आंसर बताइए इसका क्या क्या आंसर आएगा जल्दी जल्दी आंसर बताइए इसका क्या क्या आंसर आएगा तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखा जाए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है बाबू देखिए 17, सेवनटीन एक प्राइम नंबर है ट्वेंटी थ्री भी प्राइम नंबर है थर्टी सेवन भी प्राइम नंबर और थर्टीन भी प्राइम नंबर है चारों का चारों यहाँ पर प्राइम नंबर ही है चारों का चारों अभाज्य संख्या ही है इससे तो अब बाबू आंसर नहीं हो रहा है अब हमारे पास इसमें क्या हम कर सकते हैं तो चलिए अब देखते हैं वन और सेवन वन और सेवन को हमने प्लस कर दिया हो गया एट थ्री और सेवन को हमने प्लस कर दिया हो गया टेन टू और थ्री को हमने प्लस कर दिया हो गया फाइव और वन और थ्री को हमने प्लस कर दिया हो गया कितना तो फोर सभी को आप देख लीजिए इवेंट नंबर इवेंट नंबर नंबर लेकिन यहां पर देखिए नंबर आ रहा है इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी 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 आंसर हो जाएगा इसका बबुआ ऑप्शन बी क्लियर है सबका कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़ा गधा गाय और कुत्ता घोड़ा है गधा है गाय है और कुत्ता है तो क्या आंसर होगा देखिए घोड़ा गधा और गाय तीनों का तीनों शाकाहारी जानवर होता है तीनों का तीनों क्या होता है फालतू तो सभी है पालतू तो जानवर सभी है लेकिन तीनों का तीनों शाकाहारी लेकिन कुत्ता जो होता है वो सर्वाहारी जानवर होता है कुत्ता क्या हो जाता है सर्वाहारी जानवर हो जाता है इसीलिए बाबू इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन डी होगा ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी दो नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन डी चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कोडिंग डिकोडिंग से ये भी मजेदार क्वेश्चन है देखिए क्या लिख रहा है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ये शब्द टर्मिनल टी आर एम आई एन एर एल शब्द टर्मिनल और उधर क्या लिखा हुआ है एस डी क्यू एल जे ओ बी और एम टी और एस माइनस वन ई और डी माइनस वन आर और क्यू माइनस वन एम और एल माइनस वन आई और जे प्लस वन और o, वन, A और B, वन, L और प्लस 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 वन, वन, वन। तो सभी में देखिए लास्ट स्टार्टिंग फोर में माइनस वन और लास्ट फोर में प्लस वन किया गया प्लस वन और माइनस वन प्लस वन वन और माइनस वन इस प्रकार से किया गया है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो थ्री नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर बताइए जल्दी 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 जब जल्द जल्द एकदम सही एकदम सबका ए ए ए ए ए एकदम सही आंसर एक है ए आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन ए थ्री का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चलिए बहुत अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी हां देखिए बबलू की ओर संकेत करते हुए आयसा ने कहा बबलू है और उसकी ओर संकेत करते हुए आयशा बोल रही है क्या बोला गया देखिए वह मेरी मां वह जो है यानी कि बबलू मेरी मां यानी कि आयसा की मां के भाई मां का भाई यानी कि कौन आयसा के लिए मामा ठीक है के भाई की पत्नी तो भाई की पत्नी मामा की पत्नी कौन मामी का बेटा है अब मामी का बेटा कौन मामी का बेटा कौन होता है ममेरा भाई ममेरा भाई और ये हो जाएगा ऐसा हो जाएगी कौन फुफेरी बहन ऐसा हो जाएगी कौन तब फुफेरी बहन फुफेरी बहन ठीक है तो प्रश्न में देखिए देखिए अब यहां जब तक सिचुएशन है कि आंसर क्या टिक आउट करेंगे मेरा भाई रे की फुफेरी बहन रहे उससे कोई मतलब नहीं है मैं मेरा भाई की फुफेरी बहन रहे उससे कोई मतलब नहीं है बाबू सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होता है इसमें इंग्लिश में जब एक शब्द दिया जाता है कजन तो वही उसका आंसर हो जाता है क्योंकि देखिए चचेरा भाई चचेरी बहन के लिए कजन ममेरा भाई ममेरी बहन के लिए कजन फुफेरा भाई फुफेरी बहन के लिए भी कजन मोसेरा भाई मोसेरी बहन के लिए भी क्या चीज कजन इन सभी शब्दों सभी के लिए रिलेशन के लिए बस एक ही शब्द होता है वो है कजन इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन सी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए इसमें क्या बोल रहा फाइव नंबर क्वेश्चन है नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए लिख रहा है बच्चों की एक पंक्ति में बाई ओर से बच्चों की एक पंक्ति में बाई ओर से तेरह स्थान पर मोहन है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस ठीक है बच्चों की एक पंक्ति में मोहन बाई ओर से तेरव स्थान पर मोहन है बाई से लेफ्ट साइड से कितने नंबर पर तेरहवें स्थान पर कौन है मोहन है इसके बाद दाई ओर से बारहवें स्थान पर तथा बाईं ओर से स्थान पर प्रवीर है देखिए, ओर ओर से से और तथा स्थान पर कौन है प्रवीर है तो अठारह बारह कितना तीस माइनस एक बराबर उन्तीस यानी कि टोटल का टोटल नंबर ऑफ पर्सन टोटल का टोटल टोटल नंबर ऑफ पर्सन कुल मिलाकर के इस कतार में कितने व्यक्ति हैं तो उन्तीस ठीक है लिखा गया मोहन से दाई और उस पंक्ति में कितने बच्चे हैं मोहन से दाई और जब मोहन बाएं से है यहां पर तेरहवें स्थान पर इसके दाएं और कितना होगा तो सोलह दाएर कितना होगा 16, तभी तो 13 और 16 को ऐड करेंगे तभी तो होगा ट्वेंटी ना, नाइन थर्टीन यानी कि तेरह सिक्सटीन यानी कि सोलह तेरह और सोलह को जब ऐड करेंगे थर्टीन प्लस सिक्सटीन जब हम करेंगे तभी तो हमको आएगा ट्वेंटी नाइन इसीलिए मोहन से दाई और उस पंक्ति में कितने बच्चे हैं तो मोहन से दाई और उस पंक्ति में सोलह बच्चे हैं आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा सोलह आंसर हो जाएगा सोलह ऑप्शन इनमें से कोई नहीं ऑप्शन चार ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखिए शब्द कंट्रोल में अक्षरों ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं तो देखिए हमको क्या करना है इसमें अक्षर युगम ढूंढना ये देखिए क्या बोला कि अक्षरों ऐसे कितने जोड़े हैं अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं हमको ढूंढना अक्षरों का जोड़ा अक्षर का क्या ढूंढना है जोड़ा तो अक्षर का जोड़ा ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे एबीसीडी पढ़ना है क्या पढ़ना हमको एबीसीडी पढ़ना है तो सी डी ई एफ जी एच आई ओ पी क्यू आर ओ आर ओ पी क्यू आर एस टी एन ओ पी क्यू आर टी यू भी डब्ल्यू आर एस टी ओ पी खत्म उधर से पढ़िए हमने अभी यहां से यहां इधर पढ़ दिया अब हमको इधर से इधर पढ़ना है एल एम एन ओ पी क्यू आर ओ पी क्यू आर एस टी आर एस टी यू भी टी यू भी डब्ल्यू एन ओ एक यहां पर मिल गया एन और ओ पी ओ पी तो कुल मिला कितने जोड़े दो जोड़े तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा दो जोड़ा है ऑप्शन हो जाएगा इसका सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा बाबू दो जो है ऑप्शन सी 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 बाबू ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है देखिए लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में सेवन में क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए लिख रहा है क्या चीज ध्यान से देखिए कि जिस प्रकार स्कूल का संबंध शिक्षा से है स्कूल का संबंध किससे है तो शिक्षा से है इस जिस प्रकार स्कूल का संबंध शिक्षा से है उसी प्रकार चिकित्सालय का संबंध किससे है तो स्कूल में स्कूल में शिक्षा प्राप्त होता है तो उसी प्रकार से चिकित्सालय में इलाज प्राप्त होता है चिकित्सालय में क्या होता है रोगी का इलाज होता है उसी प्रकार से स्कूल में शिक्षा दिया जाता है तो चिकित्सालय में इलाज दिया जाता है आंसर इसका हो जाएगा बाबू ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन ए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देख लीजिए क्या है क्वेश्चन में लिख रहा है मीना की ओर संकेत करते स्वरूप बोलता है मीना की ओर संकेत करते हुए किसने कहा तो स्वरूप ने कहा क्या कहा स्वरूप ने तो ध्यान से देखिए लिखा है मीना की ओर संकेत करते हुए स्वरूप बोलते हैं क्या बोले जी स्वरूप वह मेरे ग्रैंडफादर के एकमात्र संतान की पुत्री है मीना की ओर संकेत करते हुए स्वरूप बोले।, बोले क्या बोले कि वह वह यानी कि मीना मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर मतलब पिता के पिता यानी कि कह लें दादा देखिए ग्रैंडफादर मतलब सिर्फ दादा ही नहीं होता है नाना भी होता है ठीक है ग्रैंडफादर मींस नाना भी होता है और दादा भी होता है लेकिन अगर उसी में पैटर्नल ग्रैंडफादर लिख दिया जाए पैटर्नल ग्रैंडफादर हो जाएगा तो हो जाएगा क्या चीज तो दादा और मैटर्नल ग्रैंडफादर लिख दिया जाए तो हो जाएगा क्या चीज तो नाना ठीक है तो यहां पर जो लिख रहा है क्या लिखा मीना की ओर संकेत करते स्वरूप का था वह मेरे ग्रैंड फादर के एकमात्र संतान ग्रैंड फादर का एकमात्र संतान तो उसके लिए पिता और उसके दादा के लिए कौन तो पुत्र संतान की पुत्री है संतान की कौन है पुत्र? पुत्री है कौन है तो पुत्री है इसका मतलब वह स्वरूप की कौन हो गई तो बहन हो गई वह जो है मीना वह स्वरूप से मीना का स्वरूप से क्या संबंध है तो मीना का स्वरूप से बहन का संबंध है आंसर हो जाएगा इसका बाबू ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी क्लियर है सबका समझ में आ रहा है कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें बाबू चलिए आगे हम लोग सालूगी का ये क्वेश्चन देखें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सालुग का ये लिख रहा है कुछ पुस्तकें बैग है कुछ पुस्तकें बैग है सभी बैग पेड़ है पेड़ है तो नंबर एक है कुछ पुस्तकें पेड़ है कुछ पुस्तक जो है वो बाबू पेड़ है तो सही की गलत सही की गलत तो सही हो गया दूसरा क्या लिख रहा है कुछ पेड़ पुस्तक है और कुछ पेड़ ऐसा है जो कि पुस्तक है ये बात भी क्या हो रहा है सही की गलत तो सही हो रहा है तो पहला और दूसरा पहला और दूसरा दोनों का दोनों इसका क्या हुआ सही हुआ आंसर इसका हो जाएगा बाबू ऑप्शन डी यानी कि एक और दो दोनों निकलते हैं एक और दो दोनों निकलते हैं ऑप्शन डी 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 आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन डी चलिए बहुत ही अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लिख रहा है सभी जंगल बाघ है सभी जंगल बाघ है कुछ बाघ घोरे हैं और कुछ बाघ क्या है तो बाबू घोरा है कुछ घोरे जंगल है कुछ घोरा जो है बाबू ये जंगल है सही की गलत तो ये एकदम पूर्णतः गलत दूसरा है कोई घोरा जंगल नहीं अब यही चीज सभी जंगल सभी जंगल जो है वो क्या है बाघ है सभी जंगल क्या है तो बाघ है कुछ बाघ घोरे हैं अगर हम घोरा यहां से भी बनाना चाहें तो यहां से भी बना सकते हैं कुछ घोरा बाघ है अब क्या है तो लिख रहा है कि कुछ जंगल कुछ घोरे जंगल है तो कुछ घोरे जंगल है इधर से गलत लेकिन इधर से क्या हो जा रहा सही एक डायग्राम से गलत एक डायग्राम से सही दूसरा है कोई घोरा जंगल नहीं है कोई घोरा जंगल नहीं है इधर से हो रहा है गलत और इधर से हो रहा है क्या चीज सही तो जब ऐसा सिचुएशन आता है एक डायग्राम से सही और एक डायग्राम से जब गलत होता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है एक डायग्राम से सही एक डायग्राम से गलत होता है तो उसका आंसर हो जाता है ई आई टी एच ई आर आइदर यानी कि या तो पहला सही या तो दूसरा सही या तो पहला सही या तो दूसरा सही और इसका आंसर बाबू हो जाएगा देख लीजिए ऑप्शन बी में लिखा हुआ है या तो एक या दो निकलता है इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी 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 ठीक है आंसर हो जाएगा बाबू इसका ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं कोई दरवाजा कुर्सी नहीं कोई भी दरवाजा कुर्सी नहीं है तो दरवाजा कुर्सी नहीं है खिड़की तो कुर्सी हो ही सकता है यहां पर तो हम कुर्सी को लगा ही सकते हैं अब देखिए कुछ खिड़कियां कुर्सी है तो कुछ खिड़कियां कुर्सी है इधर से गलत और इधर से क्या सही आ, एक डायग्राम से गलत और एक डायग्राम से सही होता तो वह निष्कर्ष क्या होता है वह निष्कर्ष गलत होता है सभी दरवाजे खिड़कियां सभी दरवाजा क्या खिड़की के अंतर्गत है नहीं है तो यह बात हो जाएगा क्या चीज गलत तो पहला निष्कर्ष भी गलत और दूसरा निष्कर्ष भी गलत पहला निष्कर्ष भी गलत दूसरा निष्कर्ष भी गलत आंसर इसका हो जाएगा बाबू ऑप्शन सी ऑप्शन तीन नंबर ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें बाबू आयदर केस नहीं आएगा देख लीजिए खिड़की है कुर्सी है खिड़की है यहाँ कुर्सी नहीं है यहाँ दरवाजा है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर इसीलिए यह चीज आयदर का केस नहीं बनेगा यहाँ आर रॉन्ग होगा बोथ आर रॉन्ग होगा दोनों गलत हो जाएगा बोथ आर रॉन्ग होगा इसका चलिए आगे देखिए हम आपके लिए जो है इसमें अरेंजमेंट का क्वेश्चन लाए हुए हैं और आप इसको ध्यान से देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें दिया जा रहा है प्रश्न में लिख रहा है कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए एम बी टी डब्ल्यू डी और एच तीन फैक्ट्रिया एक्स में और तीन फैक्ट्रिया वाई में काम करते हैं ठीक है यानी कि यानी कि एक्स और वाई दो फैक्ट्री है जिसमें कि तीन तीन वर्कर काम करते हैं तो हम लिख दे एम एम बी टी डब्ल्यू डी और एच इसमें से कोई फैक्ट्री वाई में काम करेगा कोई फैक्ट्री एक्स में काम करेगा उनमें से प्रत्येक भिन्न भिन्न राशि कमाता है बहुत अच्छा टी फैक्ट्री वाई में काम करता है और सबसे कम कमाता है अच्छा एक मिनट हमने कुछ गलती कर दिया यहां पर ये यह लिख करके हाँ जी क्या बोला इसमें देखिए लिख रहा टी फैक्ट्री वाई में काम करता है और सबसे कम कमाता है सबसे कम कमाने वाले को सबसे नीचे लिख देते हैं और टी फैक्ट्री किस में काम करता है तो टी जो है फैक्ट्री वाई में, में काम करता है ऐसा इसमें कहा गया टी फैक्ट्री वाई में काम करता है ठीक है टी कहां पर काम करता है तो वाई में काम करता है टी फैक्ट्री वाई में काम करता है और और सबसे कम कमाता है डी फैक्ट्री वाई में काम नहीं करते हैं डब्लू और डी जो है ये फैक्ट्री वाई में काम नहीं करता है इसमें ऐसा बात कहा गया है ठीक है डब्लू और डी फैक्ट्री वाई में काम नहीं करते हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं यहां पर बाद में देखने में काम आएगा और इनमें से कोई सबसे अधिक नहीं कमाता बहुत अच्छा एच और डब्लू से बी कम कमाता है किससे किससे एच से और डब्लू से एच से और डब्लू से बी जो है वह कम कमाता है ठीक है टी जिस फैक्ट्री में काम करता उसमें एम काम नहीं करता अब बताइए एम जब उसमें टी वाले फैक्ट्री में एम काम नहीं करता है इसका सीधा मतलब है कि दो ठो तो फैक्ट्री है हमारे पास दो फैक्ट्री में एम जो है वाई में काम नहीं करता तो एम किस में काम करेगा तब एक्स में ही काम करेगा और वह डी से अधिक कमाता है क्या लिखा है टी जिस फैक्ट्री में काम करता है उसमें एम काम नहीं करता और वह डी से अधिक किंतु बी से कम कमाता है और एम जो है डी से अधिक किंतु बी से कम कमाता है तो यानी कि बी एम डी ये हो गया और बी से ऊपर देख लीजिए एच और डब्ल्यू है बी से ऊपर कौन है एच और डब्ल्यू है यानी कि एच और डब्लू एच और W यही ना सिचुएशन तो वन टू थ्री फोर क्या बोला वन टू थ्री फोर हमारे पास है कितना वन टू थ्री फोर फाइव पांच पांच जगह है और अभी हमको चार ही ठो मिला है तो इसमें और क्या छूट रहा है तो देखिए W और D फैक्ट्री Y में काम नहीं करते W काम नहीं करता है और D काम नहीं करता किसमें Y में काम नहीं करता है इसको हम बोले थे कि इसको बाद में हमारा ये काम आएगा क्या लिखा है डब्लू और डी फैक्ट्री वाई में काम नहीं करते हैं तो W काम करेगा एक्स में W काम करेगा किस में तो X में और D भी काम करेगा किस में तो X में और इनमें से कोई सबसे अधिक नहीं कमाता यह भी ठीक है H और W से B कम कमाता है जिस फैक्ट्री में काम करता है उसमें एम काम नहीं करता है यानी कि एम भी काम करता है किस में तो एक्स में और वह डी से अधिक किंतु बी से कम कमाता है यानी कि एम जो है डी से अधिक कमाता है लेकिन बी से कम कमाता है अब हमारे पास इतना सारा नाम होने के बाद बच कौन रहा है तो एम तो एम हम देख रहे एम आ चुका है बी बी भी आ चुका है टी ऑलरेडी सिटिंग में है डब्ल्यू डब्लू भी आ चुका है डी डी भी आ चुका है और कौन बचा एच एच भी आ चुका है तो चलिए हमको जो है अब इसको क्या करना है सेट करना अब हमको इसको सिर्फ और सिर्फ सेट करना ये इतना हमारे पास जगह है तो सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे बाबू डी क्योंकि ये देख लीजिए डी डी के ऊपर एम एम के ऊपर बी बी के ऊपर एच या डब्लू अब यहां आप देखिए क्या लिख रहा है इसमें देखिए W से भी कम कमाता है सॉरी यहाँ पर W और D फैक्ट्री Y में काम नहीं करते हैं और इनमें से कोई भी सबसे अधिक नहीं कमाता है यानी कि W और D W और D में से कोई भी सबसे अधिक नहीं कमाता है ना तो W कमाता है सबसे अधिक ना ही D कमाता है सबसे अधिक तो हम यहाँ पर H और W को जो यहाँ रखे हुए हैं तो H चला जाएगा सबसे अधिक में और W आ जाएगा दूसरे नंबर पर W है देखिए X कंपनी में काम करेगा M भी X कंपनी में काम करेगा और D भी X कंपनी में काम करेगा प्रत्येक में तीन तीन लिखा हुआ है कि तीन फैक्ट्रिया एक्स में और तीन फैक्ट्रिया वाई में काम करता है इसका मतलब यह हो गया कि वाई में कौन कौन काम कर रहा है अब देखिए Y में काम कर रहा है B Y फैक्ट्री में काम कौन कर रहा है तो B और Y फैक्ट्री में काम कौन कर रहा है तो H ये हो गया हमारे तरफ से पूरा का पूरा एडजस्टमेंट इसका यह कंप्लीट एडजस्टमेंट आपके सामने लिख दिया गया है अब यहां से जो भी इसका प्रश्न है बाबू वो आपको यहां पर अब बताना है तो चलिए हम इसमें से क्वेश्चन लाते हैं तो ये हमारा बारह नंबर से चौदह नंबर क्वेश्चन हमको यहां पर बताना है और हम इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में क्या लिख रहा है ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर हाँ जी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में देखिए लिख रहा है कि सबसे अधिक कौन कमाता है सबसे अधिक कौन कमाता है तो आप यहां पर देख सकते हैं देखिए सबसे अधिक कमाने वाला कौन है एच है तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या चीज तो सबसे अधिक कौन कमाता है तो एच कमाता है ट्वेल्व का आंसर हो जाएगा एच ऑप्शन हो जाएगा इसका ए चलिए थोटीन नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह फैक्ट्री एक्स में काम करता है फैक्ट्री एक्स में काम करने वाले कौन कौन है तो देखिए फैक्ट्री एक्स में काम करने वाला जो है बाबू ये देखिए फैक्ट्री एक्स में कौन कौन काम करता है तो एक्स में काम करता है डब्ल्यू एम और डी डब्ल्यू काम करता है एम काम करता है और डी काम करता है तो डब्ल्यू एम और डी हम आंसर टिक करेंगे डब्ल्यू एम और डी यानी कि आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन तीन नंबर सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका फोर्टीन में देखिए लिख रहा है कि डब्ल्यू निम्नलिखित में से किस समूह से अधिक कमाता है डब्ल्यू जो है किससे अधिक कमाता है आपको यह बताना है तो देखिए W देख लीजिए यहां पर बी एम डी एच बी एम डी एच से अधिक कमाता है W किससे अधिक कमाता है तो बी एम डी एच से अधिक कमाता है तो आंसर क्या होगा बी एम डी एच तो बी एम डी एच तो नहीं है सॉरी बी एम डी टी बी एम डी टी बी एम डी टी लिखा था हम उसको गलती से H पढ़ लिए बी एम डी टी से अधिक कमाता है इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन एक नंबर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है ब्लड रिलेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बाबू ब्लड रिलेशन का है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यह भी चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिख रहा है तो सबसे पहला सिचुएशन इसमें एक मिनट हाँ जी चलिए क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है तो क्वेश्चन में लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अभिव्यक्ति यह दर्शाती है कि टी एल की माता है टी जो है एल की माता है हमको यहाँ यहाँ पर यह चीज बताना है टी कौन है एल की माता है तो टी एल की माता है इसको हम कैसे बताएंगे देखिए क्या लिख रहा है टी एल की माता है तो माता बनाने के लिए उसको सबसे पहले तो बाबू फीमेल होना जरूरी है माँ होने के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है स्त्री होना जरूरी है फीमेल होना जरूरी है और टी एल की माता है मुझे टी को मां बनाना है तो टी को मां बनाना इसका मतलब है टी को स्त्री होना जरूरी है टी को क्या होना जरूरी है स्त्री होना जरूरी है यानी कि टी स्त्री होगी इसका मतलब है टी फीमेल होगी तो टी फीमेल होगी तो चलिए उस पर चर्चा करते हैं लिख रहा है पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है अगर टी के बाद यदि टी के बाद माइनस का चिन्ह रहेगा तो वह पत्नी हो जाएगी पत्नी हो जाएगी तो स्त्री हो जाएगी इसके बाद यहां पर देखिए p डिवाइडेड q का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है अगर t के बाद डिवाइडेड का चिन्ह दे देंगे तो यहाँ पुत्री हो जाएगी पुत्री हो जाएगी तो वह स्त्री हो जाएगी तो हमको यहाँ पर यही देखना है टी के बाद माइनस और टी के बाद डिवाइड का साइन होना चाहिए देखिए टी के बाद माइनस है के बाद डिवाइड है टी के बाद माइनस है तो यानी कि में से कोई भी एक हमारे प्रश्न का आंसर हो सकता है कोई भी आंसर हो सकता है तो अब क्या इसमें बोल रहा है कि टी एल की माता है एल की माता तो माता किसको तो देखिए यहां पर पी गुना क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है तो ये देखिए पिता और पिता और माइनस का अर्थ है पत्नी पिता की पत्नी को क्या कहते हैं तो माता कहते हैं पिता के पत्नी को क्या कहते हैं तो माता कहते हैं आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन बी 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 पंद्रह नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन दो नंबर ऑप्शन दो नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका चलिए सोलह नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है इसमें एफ प्लस एम गुने भी डिवाइडेड आर में भी का F से क्या संबंध है B और F के बीच संबंध पूछ रहा है तो प्लस प्लस का अर्थ है यहाँ पर का भाई है ये कौन है तो भाई है गुना गुना का अर्थ पी क्यू का पिता है ये हो गया कौन तो पिता हो गया और भागा का अर्थ क्या दर्शा रहा पी क्यू की पुत्री है ये लीजिए ये पुत्री हो गई तो अब क्या है देखिए पुत्री अब पुत्री का पिता पुत्री या पुत्री का पिता कौन पति पति का भाई कौन तो देवर पति का भाई कौन होता है देवर होता है हमें प्रश्न में भी का एफ से तो देखिए भी का एफ से भी के लिए पिता पिता का भाई कौन तो चाचा यानी कि एफ हो गया चाचा और भी हो जाएगा कौन तो भी हो जाएगी भतीजी क्योंकि ये पुत्री न है पुत्री है तो फीमेल है तो भतीजी इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू नीस नीस मतलब होता है भतीजी या भांजी नीस मतलब भतीजी या भांजी और ये जो नेफ्यू लिखा हुआ है मींस होता है भतीजा या भांजा हमारे प्रश्न में भतीजी आ रही है इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ 17 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यह अभी क्या लिख रहा है इसमें ध्यान से देखिए एच एस एच है और एस है तो एच है और एस है उसका लिख रहा कोड क्या चीज एनालॉजी के और भी एच एस के और भी तो प्लस 3 प्लस 3 वही चीज एल एम एल और एम हमको यहां पर भी क्या कर देना प्लस थ्री प्लस थ्री एल में प्लस थ्री कर देते हैं एल में प्लस थ्री कर देते हैं तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या चीज ओ और एम में प्लस थ्री कर देंगे तो हो जाएगा पी आंसर हो जाएगा ओ पी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन चार नंबर ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर सत्रह का ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है देखिए क्या चीज लिख रहा है एटीन नंबर क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा क्वेश्चन में लिख दिया है बाबू यदि वर्णमाला के सभी अक्षर को आर सेवन तो जहां पर आर लिखा हुआ है ना वहां सेवन कर दीजिए आप d3 d जहां लिखा हुआ उसको थ्री बनाइए आप i6 i जहां लिखा हो उसको सिक्स बनाइए आप ई e लिखा हुआ तो उसको फाइव बनाइए C c4 है तो C को फोर बनाइए और T T एट है तो एट बनाइए सबको आपस में जोड़ दीजिए सबको आपस में जोड़ दीजिए नाइन और सेवन सिक्सटीन सिक्सटीन और फोर हो गया कितना ट्वेंटी नाइन, थ्री और सिक्स नाइन नाइन और सेवन हो गया सिक्सटीन सिक्सटीन और फोर हो गया ट्वेंटी और ट्वेंटी और थर्टीन हो गया कितना थर्टी थ्री यानी कि हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा थर्टी थ्री ऑप्शन हो जाएगा इसका बाबू ए ऑप्शन 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 ए थर्टी थ्री थर्टी थ्री थर्टी थ्री थर्टी थ्री ऑप्शन ए चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये ये क्वेश्चन क्वेश्चन आपको अरेंजमेंट का question है यानी कि सेंटेंस अरेंजमेंट ठीक है कहने को तो यह इंग्लिश और हिंदी में पूछा जाता है लेकिन नहीं बाबू इसको हिंदी और इंग्लिश के अलावा रीजनिंग में भी इससे प्रश्न पूछ दिया जाता है और उसमें रीजनिंग का थोड़ा सा अलग उसमें तरीका अपना लिया जाता है <laughs> लिख रहा है इस कहानी को आप पहले पढ़िए और उसको समझिए कहानी को समझने के बाद आप उसको एडजस्ट कीजिए एडजस्ट करने के बाद तब आपको बताया गया कि का तीसरा वाक्य कौन सा होगा तीसरा वाक्य कौन सा होगा वह आपको बताना है तो चलिए देखते हैं लिख रहा है कि सुनते ही सियार बोला सुनते ही सियार बोला औरों का तो एक किंतु आपके अठारह अंग टेढ़े हैं पता नहीं कहानी का बीच का भाग है कि अंत का भाग है लेकिन पहला भाग तो नहीं है ये बात तो हम कन्फर्म है एक बार एक स्थान पर हाथी बाघ तोता कुत्ता बगुला ऊट आदि पुरुष पशु पक्षी मिल गए ये लगता है कि कहानी का पहला भाग हो सकता है इसीलिए हम दो को पहले लिख रहे हैं उदाहरण देते हुए वह बोला कि हाथी के सुर कुत्ते की पूछ बाघ के नाखून तोते की चोच और बगुले के गर्दन टेढ़ी है आगे लिख रहा उत्साही ऊंट को अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान था उसने सभी प्राणियों को संबोधित करते, करते हुए कहा कि इस दुनिया में टेढ़े अंग वाले पशुओं की भरमार है देखिए इसमें ध्यान से समझिएगा जो पांच नंबर सेंटेंस है इसको एकदम लगातार लिखा हुआ है देखिए क्या लिखा उत्साही ऊंट को अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान था उसने सभी प्राणियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस दुनिया में टेढ़े अंग वाले पशुओं की भरमार है यानी कि चार नंबर और पांच नंबर ये दोनों लगातार जाएगा और भरमार है कहते हुए उन्होंने क्या कहा उदाहरण देते हुए उदाहरण देते हुए कहा कि बोला हाथी की सूर कुत्ते की पूछ बाघ के नाखून तोते की चोंच और बगलू की गर्दन टेढ़ी है यानी कि चार पांच उसके बाद जाएगा थ्री और टू नंबर तो हम ऑलरेडी पहले सेट कर ही चुके था बचा कौन तो वन वन क्या है <coughs> सुनते ही बोला और जब ऊंट का इस प्रकार अभिमान पूर्वक बातें सुनने के बाद जब किसके नहीं रहा गया तो सियार बोल पड़ा अंतिम में सियार क्या बोलता है सुनते ही सियार बोला औरों का तो एक किंतु आपके अठारह अंग टेढ़े हैं सियार ने तुरंत ऊंट को जवाब दे दिया और का तो पता नहीं है लेकिन आपका जो है बाबा आपका टोटल का टोटल अठारह अंग टेढ़ा है वो आप देख लीजिए इसीलिए इसका एडजस्टमेंट होगा कितना टू फोर फाइव थ्री वन और पूछ रहा है ऑप्शन डी 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 चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी के ओर कथन में क्या लिख रहा है देखिए ध्यान से क्या रियलिटी टीवी कार्यक्रमों में जनता का वोटिंग पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए यानी कि रियलिटी शो जो होता है उसमें जनता जो वोट करते हैं क्या उसके वोट को पूरा का पूरा प्रतिबंध लगा दिया जाए उस पर तो नंबर एक में लिखा है नहीं ऐसे कार्यक्रम के निर्णायक पक्षपात कर सकते अतः अंतिम फैसला आम जनता के हाथ में होना चाहिए जी हाँ इन्होंने जो बात कहा है कि हो सकता है वहां पर निर्णय लेने वाले जो है वह पक्षपात कर दे इसीलिए अंतिम निर्णय किस पर रहना चाहिए तो जनता के ऊपर रहना चाहिए इसलिए यह बात जो उन्होंने कहा यह कहा वह पूर्णतः सही कहा दूसरा लिखा हुआ कि हाँ ऐसा कर देना चाहिए क्यों भाई ऐसा क्यों लोग योग्यता के सिवाय अन्य कारणों से किसी प्रतियोगी के पक्ष में वोट कर सकते हैं अतः जनता का मत पक्षपात पूर्ण हो सकता है जी हाँ यह भी यह मेरे एरिया से है या सहरसा जिला से है या पटना से है या बिहार से है या झारखंड से है या यूपी से है इस प्रकार का बात कह कर के भी वो अच्छा परफॉर्मेंस दे या नहीं दे लेकिन वह इस प्रकार का भी जो है अपने क्षेत्रीय को वाले को जिताना है इसलिए हम इसको वोट दे देते हैं यह बच्चा रोने लगा था यह हमको बहुत ही अच्छा नहीं लगा इसीलिए हम इसको वोट दे देते हैं इस सब प्रकार का भी बातें होती है ए, वो गाना कैसा गा रहा हुआ डांस कैसा कर रहा है या वो अपना परफॉर्मेंस किस प्रकार का दिया है उससे कुछ आम पब्लिकों को मतलब नहीं होता मतलब इससे हो जाता है हमको वोट तो देना तो इसी को है चाहे वो कुछ भी हो जाए मतलब इस प्रकार का पक्षपात पूर्ण स्थिति भी हो सकता है इसलिए पहला और दूसरा दोनों का दोनों इसका बाबू सही है इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन डी एक और दो दोनों निकलते हैं ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी तो बस आप लोगों से हम यही कहेंगे कि हर रोज हम आपके लिए बने हुए हैं रीजनिंग टेस्ट में और आप लोग मंडे टू फ्राइडे बने हुए हैं बस आप लोग भी इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहिए और हर रोज आप लोग लाइव आते हैं और हम आपके लिए लाइव आ रहे हैं और आप भी अपना देख रहे हैं आप लोगों को हर रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा तो बस बाबू हम यही कहेंगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बने रहना चाहिए और बाबू हम और भी और भी टीचर लोग और भी सर से बातचीत हो रहा है और भी अलग अलग सब्जेक्ट के सर आएंगे धीरे धीरे आप लोगों का कंप्लीट पैकेज यहाँ शुरू हो जाएगा ठीक है तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जय हिंद